What's up everyone? Welcome back to the channel. तो guys, अब आप लोग का result भी आ गया होगा, तो सबसे पहले तो congratulations to all of you. जितने ISC वाले students हैं उनका भी नहीं आया I guess, and CBSE का आज आ गया, तो first सबसे पहले बहुत सारी good wishes आप सभी को and बहुत सारी बधाई. But जिनके marks कुछ कम रह गए हैं या जिनको as per expectation नहीं आया, तो this is the time जब आपके पास अब मौका एक बार फिर मिला है कि CUET में अच्छा करके अच्छा आप admission ले सकते हो. Still आप सोचो एक बार कि अगर हमने क्लास 12th के परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन लेना होता तो फिर नहीं हो रहा था. तो यू आर स्टिल गेटिंग टाइम, राइट? यू आर स्टिल गेटिंग अनदर चांस जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और अच्छा कॉलेज ले सकते हो. तो जी जान लगा दो. मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मॉक नंबर 1 कल सॉल्व करा होगा. दिस इज मॉक नंबर 2. आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे लिंक मिलेगा, मॉक 2 मिलेगा, उसको सॉल्व करो. और उसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास मॉक 1 जो मैंने आपको कल दिया था उसके आंसर्स भी वहीं पे गिवन है, उसको वेरीफाई करो एंड डू लेट मी नो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं. ठीक है, कंसीडर वैसे ही करना कि हर एक क्वेश्चन को अगर ठीक है तो +5 करना, गलत है तो -1 करना. इसी तरीके से खुद को मार्क्स देना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कितना स्कोर करा है. उसके साथ अगर आपको लगता है कोई इशू आ रहा है, कोई क्वेश्चन डाउटफुल है, तो वो भी आप कमेंट्स में लिखो, उसको भी हम लोग सॉर्ट करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे. तो मॉक सॉल्व करते रहो, शेड्यूल के हिसाब से पढ़ते रहो. आज मेरा खुद पूरा दिन काफी हेक्टिक रहा, काफी स्टूडेंट्स के कॉल्स, मैसेजेस, मेल्स आना जाना लगा रहा. तो हम लोग वापस से अपनी पढ़ाई चालू रखेंगे और आने वाले 8-10 दिन में खूब मेहनत करो सो दैट अच्छा कॉलेज आप ले पाओ. माई बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल. मिलता हूँ बहुत जल्दी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.